बॉलीवुड हमारे यादों का खजाना है। हर गाने, हर डायलॉग, हर लुक हमारे दिलों में बच जाती है। और जब हम अपने पसंदीदा सितारों को रेट्रो लुक में देखते हैं तो जैसे पुराने जमाने में वापस चले जाते हैं। विक्की विद्या का ट्रेलर तो बस इस बात की एक झलक है। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने रेट्रो लुक को एक नई ऊंचाई दी है। चलिए साथ मिलकर उन यादों को ताजा करते हैं। साल 2019 में सलमान खान की फिल्म भारत सिनेमाघर में आई और आते ही छा गई। इस फिल्म में सलमान खान एक अलग ही अंदाज में देखने को मिले। रेट्रो लुक में नजर आए सलमान ने जैसे अपने फैंस को पुराने दौर की यादें ताजा कर दी। उनके साथ कैटरीना कैफ भी फिल्म में अपनी मासूमियत और बेहतरीन एक्टिंग से सबका दिल जीतने में कामयाब रही और इस फिल्म ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। साल 2007 में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी फिल्म ओम शांति ओम लेकर आए और साथ में एक नई सनसनी दीपिका पादुकोण को पेश किया। फिल्म में दोनों ने एकदम अलग अंदाज में दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके रेट्रो लुक ने तो मानो समय को ही पीछे छोड़ दिया था। रणबीर कपूर ने बॉम्बे वेलवेट में पुराने जमाने का एक ऐसा अंदाज दिखाया कि मानो सीधे 50 के दशक से निकल आए हो। और फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज भी था। करण जौहर खुद के ही फिल्म में एक्टर बन गए थे। साल 2010 में रिलीज हुई एक्शन रिप्ले में अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय ने एक साथ पर्दे पर धमाल मचाया था। फिल्म में दोनों ने 70 के दशक के फैशन और म्यूजिक को खूबसूरती से पेश किया था। ऐश्वर्या का ग्लैमरस अंदाज और अक्षय का कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब पसंद आया था। अजय देवगन की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में तो उन्होंने धमाल ही मचा दिया था। गैंगस्टर के किरदार में ढलने के लिए उन्होंने रेट्रो लुक अपनाया था। वे इतने दमदार लगे थे कि मानो सिल्वर स्क्रीन पर कोई असली गैंगस्टर ही घूम रहा हो। ऐसे न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।